संविधान जब बना था तो एक मुल्क के बनने की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी और जिस ख्वाब को लेकर के इस मुल्क को आगे चलना था, शायद उस ख्वाब में ये भी बात शामिल रही होगी कि दिल्ली राजधानी के ऐसे इलीट जगहों पर एक दिन बहुजन सम्मेलन होगा और तमाम तबके के लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग इस राष्ट्र के बनने की प्रक्रिया में कई कदम आगे बढ़े हैं। अगर आगे न बढ़ रहे होते तो चिंता ये नहीं होती कि 70 साल बाद हमें जैसा होना चाहिए था वैसा क्यों नहीं है। और इसी चिंता को लेकर के हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में चिंतित हैं और लगातार इस बात को लेकर के अनुसंधान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि हम एक मुकम्मल मुल्क कैसे बने जिस मुल्क में गैर बराबरी अनूठी है। दुनिया भर में गैर बराबरी है, लेकिन जो सामाजिक गैर बराबरी इस मुल्क में थी वो बेहद अनूठी है और उसके खिलाफ लड़ना था, जिसमें ये मुल्क अभी तक विफल रहा है। और उस लड़ाई में जो मुझे विषय दिया गया है उस विषय का शीर्षक है बहुजन एकता क्यों जरूरी। कल्पना करिए कि अगर यह मुल्क मुकम्मल मुल्क बनने की दिशा में आगे बढ़ता तो हम शायद आज बातचीत एकता की कर ही नहीं रहे होते, क्योंकि तब हम एक आइडेंटिटी होते कि भारत में रहने वाले सारे लोग भारतीय हैं, जो वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं से आपको समझाना चाह रही है। एक विचार है जो लगातार जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे से शुरू हुआ था, जिसमें यह माना गया था कि एक भूगोल में रहने वाले लोग एक आइडेंटिटी है, लेकिन वही नींव डाल दी गई थी कि उस मनुष्य में मनुष्य के भीतर फर्क होगा और वो फर्क जन्मना बना करके उसे इतना स्थायी कर दिया गया कि आज हमारे विश्वविद्यालयों में जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है प्रोफेसर बनने की, उस एलिजिबिलिटी के बाद भी जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो हमसे पूछा जाता है कि तुम्हारी जात कौन सी है। ये विडंबना है इस मुल्क में। इसलिए जरूरत पड़ रही है आज जो नहीं होना चाहिए था वो करने की, बहुजन एकता। बहुजन अलग से क्यों एकजुट हो, ये इस मुल्क की विफलता है, क्योंकि इस मुल्क को चलाने वाले लोगों ने जातियां पहचान करके उनको इस मुल्क के बनने की प्रक्रिया से सायास बाहर किया। और आज जब हम, मैं चूंकि विश्वविद्यालयों से जुड़ा हूं तो 2-3 संदर्भों से अपनी बात बहुत संक्षेप में खत्म करूंगा। जब हम आज ये बात करते हैं कि मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी जिन कुछ संस्थानों पर थी, उनमें एक बेहद प्रमुख संस्थान है विश्वविद्यालय, और जहां इस बात का मंथन होना था कि आज हमारे समाज में क्या चुनौती है और उस चुनौती से लड़ने के रास्ते क्या हो सकते हैं, तब जाकर के 2018 का डेटा बताता है कि जो रिजर्वेशन लागू होना था 1950 में विश्वविद्यालयों में SC/ST रिजर्वेशन, वो 97 में आया। KP सर बैठे हुए हैं और विस्तार में बताएंगे। OBC रिजर्वेशन 93 के आसपास लागू होना था, वो 2007 में आया। और उसके लागू होने की जरूरत इसलिए थी कि इन विश्वविद्यालयों में शुद्ध रूप से कुछ छोटे से तबके, जो अपर कास्ट, अपर क्लास और पुरुष बैठे थे, वही कब्जा किए हुए थे। और 2018 का आंकड़ा बताता है कि तीनों आबादी का जो रिप्रेजेंटेशन है रिजर्वेशन का 49.5, और तीनों को मिला देंगे तो 15% भी आज वो विश्वविद्यालयों में नहीं। इसलिए जरूरत है कि हमें बहुजन एकता के जरिए इस मुल्क को जैसा होना था वैसा नहीं है, हम उसे वैसा बनाने आए हैं। इसलिए दरअसल हम मुल्क के पक्ष में खड़े हैं और हम चाहते हैं कि मुल्क मुकम्मल मुल्क बने। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उस मुकम्मल बनने की प्रक्रिया क्या होगी, उस प्रक्रिया में बौद्धिक तबके ने सबसे महत्वपूर्ण चाल क्या चली। सांस्कृतिक रूप से आपको इस बहुजन तबके को पूरी सांस्कृतिक परंपरा से एक्सक्लूड किया,
तब जाकर के हमें अपने नायकों को आज खोजना पड़ रहा है कि ये गोल बोलकर हेडगवार हमारे नायक तो नहीं हो सकते, हमारे नायक बाबा साहब अंबेडकर, सावित्री बाई फूले और ज्योतिबा फूले होते। ये कल्चरल रिवोल्यूशन का दौर है। क्रिस्टोफर जेफरलॉक ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है द साइलेंट रिवोल्यूशन। और मेरी मैं जो महत्वपूर्ण बात जो कहना चाह रहा हूं वो ये कि आज जरूरत है एक सांस्कृतिक आंदोलन की। राजनीतिक तौर पर कई जगहों पर बाबा साहब के संविधान के नाते और जमीन पर लड़े गए संघर्षों के नाते राजनीतिक सत्ता तो हासिल कर ली गई, लेकिन इस बात को ईमानदारी से कबूल करना होगा कि वे राजनीतिक सत्ताएं भी कई जगह विफल रही हैं जिसकी उम्मीद हमें उनसे नहीं थी। और आज मैं एक चीज को समझना चाहता हूं कि जब SC/ST एक्ट होता है या 10% रिजर्वेशन वाली बात होती है, कोई भी बात जो बहुजन तबके के खिलाफ होती है, तो उसे दक्षिणपंथी सांस्कृतिक विचार वाले लोग आपकी ही पहचान के एक व्यक्ति से आपके सामने आपके खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और आपकी ही पहचान का एक व्यक्ति आज दक्षिणपंथी विचार में खड़ा होकर के आपके खिलाफ बोलता है। यह इसलिए संभव हुआ कि हमने कल्चरल रिवोल्यूशन को तवज्जो नहीं दी, हमने सांस्कृतिक तौर पर जिस पहचान की वजह से हमें इस राष्ट्र में संसाधनों से, अवसरों से और राष्ट्र के बनाने की प्रक्रिया के बाद जब राष्ट्र को चलाने की प्रक्रिया आई तो उस चलाने की प्रक्रिया से बाहर किया था, हमने उस चीज को सांस्कृतिक तौर पर स्वीकार नहीं किया। और हमने जब मुल्क बनना था तो हम अपनी पहचान को भूल गए क्योंकि हमारा कल्चर कोई नहीं था। आज जरूरत है कि सांस्कृतिक तौर पर इस बात की बहस इस चार दीवारी से निकाल करके गांव तक ले चला जाए कि दरअसल आपके लोग कौन थे, क्यों गौतम बुद्ध से लेकर के और कांशीराम जी तक की बात को हमें लिखने की जरूरत है, उस पर शोध करने की जरूरत है, उसको आसान भाषा में गांव तक ले जाने की जरूरत है ताकि जब हम रोस्टर की लड़ाई लड़ें तो हमें यह ना बताना पड़े कि रोस्टर होता है। ये मेरा आग्रह है। और अगर इस चिंता को समेटते हुए हम जब सांस्कृतिक आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे तो हम किसी OBC को यह समझाना अलग से नहीं पड़ेगा हमें कि तुम ये जो राम मंदिर बनाने के लिए जान दे रहे हो उस मंदिर में तुम्हें तो प्रवेश करने का अधिकार ही नहीं है, तुम तो दरअसल शूद्र हो और तुम शूद्र होने के नाते न विश्वविद्यालयों में हो, न जजेस में कोई खड़ा है, न तुम ब्यूरोक्रेसी में हो और तुम राम मंदिर बनाने की लड़ाई में हो। आज OBC तबके का एक भी प्रोफेसर इस विश्वविद्यालय पूरे संस्थान में नहीं है, लेकिन OBC राम मंदिर बनाएगा। ये फेल्योर है उस कल्चरल रिवोल्यूशन का। इसलिए एकजुट होकर के आज जरूरत है, ये जब आदिवासियों को निकाला जा रहा है जमीन से, रोस्टर बनाया जा रहा है जिससे विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ना बने, जब उनके जजेस नहीं है, मीडिया नहीं है, तब जरूरत है कि हमें इस कल्चरल रिवोल्यूशन के जरिए खूब पढ़ें, खूब लिखें। बाकी नारा तो हम तब भी लगाते रहे हैं और उस नारे को तो मैं ऐसे ही बोल देता हूं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।